अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप दैट ऑल एवरीवन इज सेफ एंड फाइन। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द 13th पेज ऑफ योर बुक, दैट इज ऑफ चैप्टर नंबर 1, एंड टुडे वी हैव टू फिनिश दिस फर्स्ट चैप्टर। अच्छा, नाउ द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज ऑफ मेमोरी डिवाइसेस, एंड मेमोरी डिवाइसेस इंक्लूड्स द स्टोरेज मीडिया, एंड स्टोरेज मीडिया आर ऑल दोज डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू स्टोर योर डेटा। ईदर द डेटा स्टोर्ड इट माइट बी टेम्परेरली और इट कैन बी परमानेंटली। मेमोरी इज रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। It is an essential component of the computer system. Now, this is the basic definition of memory, that why memory is required. It is required for storing the data and instructions. अगर आपने कोई data या instructions को save करना है, उसके लिए आपको memory की ज़रूरत पड़ती है. It is an essential component of the computer system. So, मतलब ये जो आपका memory है, ये बहुत important और एक ज़रूरी part है आपका computer system का. If there is no memory, if there will be no RAM inserted in your computer system, then you are not able to work, okay? आप अपना कोई चीज़ आप यूज़ नहीं कर, आप स्टोर नहीं करवा सकते, आप यूज़ नहीं कर सकते डिफरेंट चीज़ों को, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट है द मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब दो तरह से आपकी मेमोरीज को कंप्यूटर सिस्टम में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ द मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। मेन मेमोरी का दूसरा नाम आपका प्राइमरी मेमोरी भी होता है। एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी और लग्जरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम और लग्जरी मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है? दो मेमोरीज है, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। लेट अस लर्न अबाउट दीज मेमोरीज। फर्स्ट है आपका मेन मेमोरी, दैट इज ऑल्सो नोन एज द प्राइमरी मेमोरी। मेन मेमोरी कॉन्स्टिट्यूट्स द मेमोरी यूनिट ऑफ द CPU. इट इज मेनली बेस्ड ऑन द इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द CPU. अकॉर्डिंगली इट इज फास्टर कम्पेयर्ड टू द सेकेंडरी मेमोरी एंड द एक्सेस टाइम फॉर द CPU इज वेरी लेस। अब वो कहते हैं मेन मेमोरी जो होती है, ये आपके CPU का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक मेमोरी यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? अब क्या होता है, मेन मेमोरी के ऊपर बेसिकली आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स IC लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे ICs लगे होते हैं, ग्रीन कलर के और ब्राउन कलर की आपकी सोल्डरिंग हुई भी होती है, सर्किटिंग हुई भी होती है, और ये आपके डायरेक्टली एक्सेस करता है। मेन मेमोरी आपकी डायरेक्टली CPU के साथ लिंक्ड होती है, ठीक है? अच्छा, अब ये सेकंड इसमें बताया उसने कि इट इज़ फास्टर एज़ कम्पेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से मतलब एक्सटर्नल जो आपकी दूसरी मेमोरीज है उनसे ये फास्टर होती है, एंड द एक्सेस टाइम फॉर द CPU इज़ वेरी लेस। बट क्या होता है कि जो चीज़ आपने फेच आउट करके लानी होती है उसका जो टाइम होता है वो इसका स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है? होती फास्टर है सेकेंडरी मेमोरी से, मगर जो एक्सेस टाइम है जिसके दौरान आपका डाटा फेच होकर आ रहा होता है, डाटा शो हो रहा होता है, वो इसका स्लो है, ठीक? नेक्स्ट है द मेन मेमोरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब दो कैटेगरीज में हम मेन मेमोरी को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज रीड ओनली मेमोरी, दैट इज रोम, एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज रैम। रैम एंड रोम, दीज आर द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी, ठीक है? अब सबसे पहले रोम को उसने यहाँ डिस्कस किया है। रीड ओनली मेमोरी रोम। रोम इज अ मेमोरी दैट कैन बी ऑन दैट कैन ओनली बी रीड, इट डज नॉट अलाउ टू बी रिटन इन टू। The data and instructions in a ROM are stored at a time of its making and is permanent in nature. ROM is also of various types. अच्छा, अब वो कहते हैं जो ROM होती है ना, ये तो आप काफ़ी पुरानी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि ROM जो है इस पर आपका जो data होता है वो आप only you can read the data, you cannot write the data in ROM. And the data that needs to be written is written at the time of manufacturing of the ROM. जब ROM आपकी बनाई जाती है, जो आपके designers और जो आपके manufacturer होता है वही instructions उस पर जो लिख देता है हम उसे change नहीं कर सकते. So the data written on the ROM is the permanent data. And you can only read all those data. You cannot write on it. Okay? So the nature of the ROM is permanent. ये याद रखना है। अच्छा, now ROM is also divided into further three types. First one is programmable ROM, मतलब PROM. ROM के आगे से types हैं ये. Programmable ROM, PROM. Is a type of ROM that can be programmed to record information. Once it has recorded the information, it cannot be changed and the information becomes permanent. A PROM इसकी ROM के आगे से type है, उसके अंदर वो कहते हैं कि ये PROM जो होती है इसके अंदर भी आप अपनी information जो है उसको program कर सकते हो। इसमें programs लिखे जाते हैं ताकि आपकी instructions जो हैं उसके according run कर सकें। तो वो कहते हैं बट वंस यू हैव रिटन द इंस्ट्रक्शंस यू कैन नॉट चेंज द इंस्ट्रक्शंस, सो द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा वंस रिटन इन पीरोम इज परमानेंट इन द नेचर, ओके?
अच्छा, सेकंड इसकी कैटेगरी है ईपी रोम। ईपी रोम मतलब अरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब यहाँ खाली प्रोग्रामेबल रोम पी रोम था, अब नेक्स्ट है ईपी रोम। ई अरेजेबल, पी प्रोग्रामेबल, आर रोम रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम इज अनदर टाइप ऑफ रोम दैट कैन बी अरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। अब वो कहते हैं ईपी रोम में क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रोम है। इसके अंदर आप अगर एक दफा आपने डाटा लिख लिया है, यू कैन अरेज द डाटा। ठीक है ही इसका मेन मकसद ही अरेजेबल के साथ है। तो ईपी रोम मीन्स दैट यू कैन अरेज द डेटा और प्रोग इंस्ट्रक्शंस इफ यू हैव रिटन इट एंड यू लेटर ऑन यू वांट्स टू चेंज इट। ओके, अच्छा नेक्स्ट है डबल ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट कैन बी अरेज्ड एंड प्रोग्राम्ड यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब अरेजेबल, इलेक्ट्रिकली अरेजेबल आ गया, तो अब वो जो आपने एक दफ़ा चीज़ लिख ली उसको किस तरह से अरेज करोगे, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू उनको अरेज करोगे और न्यू डाटा जो है उन पर आप चेंजिंग कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। अब ये तो आपकी रोम था और तीन उसकी टाइप्स थी। रोम की मेन प्रॉपर्टी ये थी कि वो परमानेंट होता है और इट कैन बी ऑन डाटा कैन बी ओनली बी रीड, यू आर नॉट अलाउड टू राइट डाउन डाटा ऑन टू इट। ठीक है, अब ये है रैम। रैम में क्या होता है, रैम इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी बिकॉज इट अलाउज यू टू परफॉर्म बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन, इट इज़ टेम्परेरी इन नेचर। अब जो रैम है इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रैम इज नोन एज रीड राइट मेमोरी। ठीक है, रैम को हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं एंड इट अलाउज यू टू बोथ रीड द डाटा एंड राइट द डाटा। रीड भी कर सकते हो डाटा को और राइट भी कर सकते हो। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, दैट इट इज़ टेम्परेरी इन नेचर। जो डाटा आपने अगर एक दफ़ा लिखा है, वंस योर इलेक्ट्रिसिटी supply is cut off, all the data written on the RAM is being erased when your new power, when your again power supply is given to the computer system. Okay, तो एक दफा जब आप computer बंद कर देते हो तो जितना data होता है RAM के ऊपर वो सारा erase हो जाता है। ठीक, और जब आप दोबारा open करते हो तो वो data erased होता है, आपको दोबारा से वो चीजें perform करनी पड़ती हैं। Okay, so the nature of the RAM is that it is temporary in nature, data written on it can be changed. Okay. Now open page number 14 of your book. Achha, in the sense that when power is switched off, the contents of RAM gets erased, that thus it is also said to be volatile in nature. अब वही बात जो भी मैंने आपको बताई कि जो RAM के ऊपर अगर आपको power supply cut off हो जाए, आप computer बंद कर दो, तो जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं वो सारी erase हो जाती हैं। और जो इस तरह की property जिन चीज़ों की होती है उनको हम कहते हैं these are volatile. ठीक है, अगर पावर सप्लाई, इफ योर पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ, द कंटेंट्स ऑफ द रैम विल बी अरेज्ड और लॉस्ट, सो इट इज नोन एज वॉलेटाइल इन नेचर। इन एनी कंप्यूटर सिस्टम रैम इज मच लार्जर देन रोम बट स्टिल हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी टू स्टोर डेटा, सो सेकेंडरी मेमोरी इज नीडेड इन अ कंप्यूटर सिस्टम टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अब वो कहते हैं कि रैम जो होती है वो रोम से ज़्यादा बड़ी होती है, साइज में भी बड़ी होती है, वर्किंग में भी, कैपेसिटी में भी बड़ी होती है, मगर रैम भी से भी खाली हमारा गुजारा नहीं चल सकता। दैट इज़ वाई वी नीड डिफरेंट अदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज सच एज आपकी फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, जिप डिस्क है, यूएसबी है, ये सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं अपना डेटा स्टोर करवाने के लिए। ओके, अच्छा अब यहाँ तक था आपका ये प्राइमरी मेमोरी। अब पिछले पेज पर आए तो देखें, यहाँ साइट पर उसने एक ब्लॉक डायग्राम बनाकर आपको दिखाया हुआ भी है दैट देयर इज अ मेमोरी एंड मेमोरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज लेटर ऑन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज रैम एंड रोम, एंड रोम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, पी रोम, ईपी रोम एंड डबल ईपी रोम। Similarly, secondary storage, secondary memory is divided into different types: floppy disk, hard disk, magnetic tape, CD-ROM, DVD, USB, and zip disk. These all are the secondary memory devices. Okay. Now we will discuss about all these. We have already discussed about primary memory devices. अच्छा, नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर इज टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। सिंस प्राइमरी मेमोरी हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज एंड इज वेरी एक्सपेंसिव, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज आर यूज्ड टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेज, लेट अस डिस्कस अ फ्यू ऑफ देम।
Now, this is the one characteristic of a computer system written over here that it is used to store large amount of data. बहुत ज़्यादा data आप अपने computer में store कर सकते हो. But the primary memory has the storage capacity, limited storage capacity. That is why you need to store your data, and you need to store your data in your secondary storage devices. Okay? So first secondary storage device is the floppy disk. Now the concept of floppy disk has been finished in the current era. Before this, in 1990s, a floppy disk was very popular. Floppy disk is one of the earliest secondary storage medium. It uses magnetic tape media to store data. A magnetic coating disk is enclosed inside a protective coating jacket, a covering jacket. When inserted in a floppy disk drive, the magnetic disk rotates within the covering jacket. The floppy disk drive has a read-write head which accesses the magnetic surface and read data from it and write information on it. The data is recorded in tracks on concentric circles. These concentric tracks is divided into segments and sectors. Each sector holds a specified number of characteristics. A floppy disk is 3.5 inches in size. It can hold up to 1.44 MB of data. The floppy disk have the disadvantage of limited capacity, slow speed, and has reliability compared to hard disk and many other storage devices. अच्छा, अब floppy disk आपकी क्या है? आपकी एक secondary storage device है, और इसके ऊपर data किस तरह से store होता था कि आपका, ये आपको दो diagrams यहाँ पर नजर आ रही होंगी, एक circle shape बनी हुई है और दूसरी floppy disk की shape उसने बनाकर दिखाई हुई है. तो floppy disk जो होता था, ये plastic की coating होती थी floppy disk की. प्लास्टिक की कोटिंग ऊपर हुई भी होती थी, और अंदर जो डाटा स्टोर हुआ होता था वहाँ पर मैग्नेटिक टेप, ब्राउन कलर की बारीक सी पहले चलती थी, केसेट टाइप होती थी वो, उस तरह से उसमें कवरिंग हुई भी होती थी. तो वो चीज़ लगी होती थी, उसके ऊपर आप अपना डाटा स्टोर करवा सकते थे. अब सर्कलिक फॉर्म में डाटा आपका स्टोर होता था. सर्कल को, एक पूरे सर्कल को आप कहते थे सेगमेंट, ठीक है. और जो हर सेगमेंट था वो एट ट्रैक, एक जो सर्कल था ना वो एट ही पार्ट्स में डिवाइड था. ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो हर इतने से ब्लॉक को हम कहते थे ये ट्रैक है, और पूरा एक गोल सर्कल जो है ये एक सेगमेंट है, ठीक है. अब फ्लॉपी डिस्क कितना डाटा स्टोर करता था, हमारा मकसद पढ़ने का यहाँ पर ये है. फ्लॉपी डिस्क जो था वो सिर्फ और सिर्फ 1.44 MB का डाटा स्टोर करता था, जो कि बहुत थोड़ा है आजकल की अगर हम बात करें, ठीक है. दैट इज़ वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लॉपी डिस्क हैज़ बीन फिनिश्ड नाउ. और साइज क्या होता था, 3.5 इंचेस का साइज होता था इसका फ्लॉपी डिस्क का. ये आपके जैसे आप सीडी या डीवीडी की जगह बनाई हुई होती है, पहले फ्लॉपी डिस्क की भी जगह बनी हुई होती थी, वहाँ पर हम ये फ्लॉपी डिस्क इंसर्ट करते थे. ओके अच्छा, इसका डिसएडवांटेज भी यही है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है. इसके अंदर आप सिर्फ 1.44 MB का डाटा स्टोर कर सकते हो, ये जो कि आजकल हमारा एक एक फाइल भी नहीं हमारी इतने उसकी होती है. हमारी एक फाइल भी कम से कम 25-26 MB की होती है, जो थोड़ी सी बड़ी फाइल होती है. ठीक हो गया. नाउ ओपन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15. नेक्स्ट है आपका हार्ड डिस्क. A hard disk is also referred to as the Winchester disk. It has a similar concept of working as a floppy disk but has much larger storage capacity. A hard disk consists of a number of magnetic disks stacked in a spindle. On a spindle, the hard disk drive, like floppy disk, is a random access drive. It can store or retrieve data or information from anywhere in on the disk in any order. अब ये आपकी आ गई हार्ड डिस्क. अब हार्ड डिस्क क्या होती है, आपकी मेन कंप्यूटर की जो डिस्क होती है, जहाँ पर आपकी विंडोज इंस्टॉल हुई भी होती है, वो होती है आपकी हार्ड डिस्क. अगर आपकी हार्ड डिस्क में कोई मसला आ जाता है तो आपका कंप्यूटर जो है वो रन नहीं करता, ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम मैसेज ट्रांसफर कर देता है दैट योर सिस्टम इज आउट ऑफ ऑर्डर एंड इट हैज़ बीन क्रैश्ड, या कोई भी एरर रिपोर्ट जनरेट हो जाता है, आपका सिस्टम स्लो अप हो जाता है, या आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होता, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है. तो अच्छा, हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क का फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरा नाम है विनचेस्टर डिस्क. ये सेकंड लाइन में उसने लिखा हुआ है, हार्ड डिस्क इज आल्सो नोन एज विनचेस्टर डिस्क. अच्छा, द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड डिस्क इज क्वाइट सिमिलर विद द फ्लॉपी डिस्क. सिमिलर वर्किंग होती है तकरीबन हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क की, मगर क्या था, आपका जो आपकी हार्ड डिस्क है या आपकी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द हार्ड फ्लॉपी डिस्क. अब हार्ड डिस्क आजकल 500 GB की, 1000, 1 TB तक आपकी हार्ड डिस्क जो है वो लग जाती है कंप्यूटर सिस्टम्स में, आपके लैपटॉप्स में, जिसके थ्रू आप बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है. अच्छा,
अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि दैट हार्ड डिस्क इज अ रैंडम स्टोरेज डिवाइस। इसके अंदर आपका डाटा कहीं पर भी पड़ा हुआ होगा, अगर आप इन्फॉर्मेशन दे देते हो, उस चीज़ पे क्लिक कर देते हो कि ये वाली फाइल ओपन कर दो, वो तो वो डाटा आपका फॉरन ओपन हो जाता है। ये नहीं होता कि उसे 1 to 10 आखिर तक चेक करना पड़े कि जी कितना आपने डाटा स्टोर किया हुआ, कहाँ से आपकी फाइल उठा कर लेकर आनी है। सो इट इज़ अ रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। अच्छा, नेक्स्ट है आपकी मैग्नेटिक टेप। A magnetic tape is like an audio cassette or video cassette, a tape made up of plastic ribbon coated with a magnetizable material on one side is mounted inside a cassette. It can be inserted in a tape drive to read or write data on the tape. Like an audio or video cassette, magnetic tapes can be used to read and write data only sequentially. They cannot be used to access information randomly, like in a floppy or hard disk. These are suitable when large amount of data is required to be stored and accessed sequentially. अब वो कहते हैं मैग्नेटिक टेप जो होती है ये भी आपकी पहले चलती थी, अब इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत कम हो गया है। इसके अंदर आप अपनी ऑडियो या वीडियो आप सेव कर सकते थे। कोई आपने ऑडियो होती थी ये जी गानों की, नातों की कैसेट है, उसके अलावा वीडियो होता था किसी की शादी की मूवी है तो वो जी वीडियो कैसेट होती थी। ये बड़ी सी होती है ब्लैक कलर की, दो इसमें सर्कल्स बने होते हैं, एक बड़ा सर्कल होता है एक छोटा सर्कल होता है, और इसके अंदर जो होता है मैग्नेटिक कोटिंग का एक मटेरियल होता है प्लास्टिक का, वो लगा हुआ होता है। उसके थ्रू आप अपना डाटा जो है उसके ऊपर अपना डाटा आपका सेव होता था, ऑडियो डाटा या वीडियो, इसके अलावा और कोई चीज़ें आप स्टोर नहीं कर सकते थे। ठीक है, अच्छा। और डाटा और जो होता था वो सिक्वेंशली स्टोर था। सिक्वेंशली स्टोर होने का मतलब ये है कि वन बाय वन आप अगर 10 चीज़ें आपने स्टोर की हुई है ना, 10 फॉर एग्जांपल 10 आपने ऑडियो क्लिप स्टोर किए हुए, अगर आपको फिफ्थ ऑडियो क्लिप चाहिए ना तो पहले आपको फर्स्ट ऑडियो क्लिप को यूज़ करना पड़ेगा, 2 को 3 को, फिर आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड करोगे तो आप फिफ्थ तक पहुँच सकोगे। ये नहीं है कि आपको अगर फिफ्थ चाहिए तो डायरेक्ट आपके लिए वो फिफ्थ ओपन कर देगा, ऐसा मैग्नेटिक टेप में नहीं होता था। ठीक है, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, प्लीज लेट मी फिनिश द कॉन्टेंट फर्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। अपने क्वेश्चंस जो है ना वो एक कॉपी पे किसी उस पे लिख लिया करो, मार्क कर लिया करो। कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क का मतलब है सीडी, नॉर्मल सीडी, सबसे ज्यादा चलने वाली आजकल आपकी सीडी ही है। कॉम्पैक्ट डिस्क पॉपुलरली नोन एज सीडीज आर ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क। दे यूज डेटा स्टोरेज टेक्निक्स बेस्ड ऑन द यूज ऑफ लाइट बीम्स। डेटा इज स्टोर्ड ऑन सीडीज बाय मीन्स ऑफ टाइनी पिट्स दैट आर बर्न्ड ऑन टू इनटू थिन कोटिंग ऑन अ disk surface. CDs are of two types, namely CD-ROMs, which are used as read-only memory, and writable CDs, CDR or CDRW, which can be written onto by use the of CDs devices called CD writers. अच्छा, अब CDs आपकी बहुत ज़्यादा popular way है आपका data store करने के लिए, और इसके ऊपर जो data आप store करते हो light beam की form में store होता है। जब आप अपने CD को हिलाते हो आगे पीछे light में करते हो तो आपको different rainbow colors की बीम नजर आ रही होती है, लाइट की रिफ्लेक्ट हो रही होती है। ठीक है, तो जो ये सीडी है ये ऑप्टिकली डाटा आपका स्टोर करती है, मतलब लाइट की फॉर्म में आपका डाटा स्टोर करती है। अब सीडी भी है, इसकी दो आगे से टाइप्स हैं, सीडी रोम और सीडी, जो सीडी रोम इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो, एक होती है सीडी रोम और एक होती है सीडी राइटेबल। रोम में तो ओनली आप डाटा अपना रीड ही कर सकते हो, सीडी आर और फिर जो सीडी राइटेबल होती है ना, ये दो पार्ट्स में आपकी डिवाइड होती है, सीडी आर और सीडी आर डब्ल्यू। मतलब आर डब्ल्यू का मतलब है कि डाटा आप इसमें राइट भी कर सकते हो, विच कैन बी रिटन ऑन टू बाई यूज ऑफ डिवाइसेज कॉल्ड सीडी राइटर्स। अब डाटा आप सीडी पे किस तरह लिख सकते हो, राइट कैसे कर सकते हो, ये सीडी राइटर्स के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू आप अपने सबसे पहले सीडी को बर्न करते हो और उसके बाद अपना डाटा स्टोर करवाते हो। CDs have the capacity to store a large amount of data in the form of text, graphics, audio and video. A typical CD can store up to 600 to 700 MB of data. अब वो कहते हैं CD के ऊपर आप खाली ये नहीं है कि audio और video data ही store कर सकते हो, आप CD के ऊपर different type of data, मतलब text है, graphics है, animations हैं, ये काफ़ी type का data आप store कर सकते हो। ठीक है, अब CD का जो size होता है वो आपका 600 to 700 MB का आप data store कर सकते हो। इसके अलावा आप large amount of data भी store कर करवा सकते हो, मगर आप नॉर्मली आपका 600 टू 700 MB का ही डाटा इस पे स्टोर होता है। मतलब कोई गेम की सीडी होती है, किसी सॉफ्टवेयर की सीडी होती है, तो 600 टू 700 MB 100 MB भी आपकी काफी अमाउंट बन जाती है। ठीक है, नाउ ओपन द नेक्स्ट पेज, दैट इज द लास्ट पेज ऑफ योर चैप्टर, पेज नंबर 16। डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क मींस डीवीडी, डीवीडी जो बहुत ज्यादा चल रही है आजकल।
फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क, विच आर कॉमनली कॉल्ड डीवीडीज, आर सिमिलर टू सीडीज. द ओनली डिफरेंस बिटवीन सीडीज एंड डीवीडीज दैट डीवीडी कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एज कम्पेयर टू सीडीज. स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डीवीडीज इज मेजर्ड इन गीगाबाइट्स. अब क्या होता है आपके डीवीडी के सीडी में फर्क क्या है? क्वाइट सिमिलर वर्किंग है, आपकी लुक इसकी सेम है, करेक्टरिस्टिक सेम है, मगर क्या डिफरेंस है ये कि आपकी डीवीडी में आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करते हो और सीडी में आप अप टू 700 MB ही डाटा बस स्टोर कर सकते हो. और इसे डीवीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसको हम जीबीज में मेजर करते हैं, GB1, GB2, GB3, GB, कितनी जीबी का डाटा आप इस पर स्टोर कर सकते हो, ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट है USB फ्लैश ड्राइव. सबसे ज्यादा यूज होने वाली USB की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस. USB फ्लैश ड्राइव इज अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस. इट इज कॉम्पैक्ट, फास्ट एंड कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. USB फ्लैश ड्राइव आर रीराइटेबल डिस्क. यू कैन अरेज एंड राइट डाटा इन मेनी टाइम्स एज यू वॉन्ट. इट इज अ कन्वीनियंट मीन ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन स्टोरेज कंप्यूटर टू अनदर ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज. USB फ्लैश ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज पेन ड्राइव. अब USB का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस. इसके अंदर क्या होता है, ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आप अपने बैग में अपने हैंड में उठाकर इसे ले जा सकते हो. बहुत रिलायबल होती है, आसानी से मिल जाती है, बहुत फास्ट होती है, स्पीड इसकी बहुत अच्छी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की इट इज़ यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. डाटा बहुत हाई लार्ज अमाउंट में आप इसमें स्टोर करवा सकते हो, ठीक है. और दूसरा ये कि इट रीराइटेबल है. एक दफ़ा डाटा आपने अरेज कर लिया, फिर रीड कर लिख सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक इसकी परफॉर्म आप कर सकते हो, ठीक है. बहुत कन्वीनियंट वे है. आपने USB को इंसर्ट करते हो किसी भी लैपटॉप में और आप अपना डाटा इजीली वहां से ट्रांसफर कर सकते हो या उस लैपटॉप में स्टोर करवा सकते हो. अच्छा, अब USB फ्लैश ड्राइव का दूसरा नाम आपका पेन ड्राइव भी है. इसको हम पेन ड्राइव भी कहते हैं, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक है आपका जिप डिस्क. जिप डिस्क की पिक्चर भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है. अ जिप डिस्क इज सिमिलर टू फ्लॉपी डिस्क बट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एज कम्पेयर टू अ फ्लॉपी डिस्क. एक ही बात बस उसने यहाँ लिखी हुई है कि ये फ्लॉपी डिस्क की ही तरह होती है, इसकी वर्क, इसकी जो शेप है वो फ्लॉपी डिस्क की ही तरह है, मगर क्या है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लॉपी डिस्क. जिप डिस्क इतनी ज्यादा हम कॉमनली यूज नहीं कर सकते, कॉमनली यूज स्टोरेज मीडिया ये नहीं है, ठीक है. So students, your chapter has one has been finished. Now you need to fill the true, false and fill in the blanks of your chapter by your own self. Page number 17, ये देखो, ये इसकी full forms हैं और fill in the blanks, ये आपने खुद fill करनी है और ये इसके true, false हैं. और and I will discuss this in your next class. अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन आंसर्स हैज बीन गिवन. आपको एक सर की तरफ से भेज दी गई है, मैंने नोट्स भेज दिए हैं मैंने आपको सारे मिड टर्म के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स के. अब आपने वो क्वेश्चन आंसर्स वहां से लर्न करने हैं, उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स आपने लर्न करने हैं. एंड आई विल आस्क फ्रॉम यू वेन वी विल रिवाइज द चैप्टर्स. ओके, नाउ अब जिस जिसने क्वेश्चन पूछना है प्लीज रेज योर हैंड एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चन वन बाय वन. जी खदीजा. टीचर, आप कह रही थी ना कि मैंने सारे क्वेश्चंस भेज दिए, लेकिन मुझे तो कोई क्वेश्चंस नहीं आए. क्वेश्चंस नहीं मिले अभी आपको? अच्छा, एक मिनट, लेट मी चेक प्लीज. अच्छा नहीं, आपकी क्लास 7 है. नहीं, अभी मैंने आपके नहीं भेजे, सॉरी, मैंने आपके नहीं भेजे. अभी आपको कल या परसों मिल जाएंगे, कल तक मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है. आपके नहीं भेजे, मैंने 8th क्लास के भेजे अभी, ठीक है. आप लोगों को भी मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे या परसों मिल जाएंगे. अच्छा, एनी क्वेश्चन एल्स, आपने कुछ और पूछना हो? जी रोमा. टीचर, मैंने आपसे पूछना था, जो मैग्नेटिक टेप ऑफ टेप होती है, मैंने देखी हुई है टीचर, इसमें टू सर्कल्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द टेप लगी हुई होती है. जी बिल्कुल. यहाँ पर कोई डिफरेंट थोड़ी सी बनी हुई है? नहीं, ये ना दो दो तरह की होती है. एक आपने देखी होगी वो छोटी वाली जो बारीक सी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, एक वो होती है, और एक थोड़ी बड़े साइज में होती है जो यहाँ पर पिक्चर बनाई हुई है. दोनों सेम ही होती हैं तकरीबन, मगर ये जो बड़ी होती है ना, ये आपके जो होते थे ना VCR, पहले चलते थे पहले जमाने में, उसके अंदर वो बड़ी वाली आपकी डलती थी और उसको आप अपने TV के साथ अटैच करते थे तो फिर वो वर्क करती थी. वो दोनों थोड़ी डिफरेंट है. ओके,
anyone else wants to ask any question, please raise your hand. Kuch puchna ho. Tahir Amir, everything is clear. Muzammil, Musaf, Mudassir, Shahmir. Boys, no question. Okay, very good. ठीक है, सो योर चैप्टर फर्स्ट चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड. अब ये आपने इसके अंदर से एक्सरसाइज फिल कर लेनी है और नेक्स्ट टाइम आई विल आस्क फ्रॉम यू अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स. ठीक है, नेक्स्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर दैट इज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. अगला आपका सेकंड चैप्टर है और ये छोटा चैप्टर है, ये आपके दो लेक्चर्स में कवर हो जाएगा. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़.